नमस्कार दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको, क्योंकि हमारे ब्लॉग में एक सेगमेंट है कि जो हमारे उत्तराखंड के कल्चर के लिए या उत्तराखंड के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरे ब्लॉग के माध्यम से वो आप सभी के बीच आए। तो आज मैं लेके आई हूँ एक मशहूर लोक गायक जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। चलिए फिर भी मैं थोड़ा दे देती हूँ। मैं जा चुका मेला मोती माँ बोराणी ककड़ खा जाए चीरा, ऐसे कई सारे सफल गीतों का, हाँ मेन जो गीत है जो मेरे साथ ही गाया हुआ है, सोला सोलियानी, जिन्होंने जिस गीत ने पूरे उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ में खास तौर पे उस एरिया में तो वो छा गया था। वो गीत वो इन्हीं के मुखारबिन से पूरे उत्तराखंड में छाया था, सोला सोलियानी। तो आज हमारे स्टूडियो में आए हैं, हालांकि ये लोक गायक बाद में हैं, पहले मेरे छोटे भाई हैं, मैं राखी बांधती हूँ उनको चंद्रप्रकाश, और प्यार से हम इन्हें कहते हैं चंद्रू। तो ये आते रहते हैं हमारे वहाँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि ब्लॉग के माध्यम से आपके बीच भी आए। तो चंद्रू आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। नमस्कार, हाँ सभी को नमस्कार। आप जितने भी दर्शक देखते हैं और रोज एक न एक ब्लॉग खुशी दी के इस ब्लॉग में आता है, तो आप लोग काफ़ी पसंद करते हैं, तो मैं तो यहाँ पर आते रहता हूँ। मेरी बड़ी बहन है और गोपुदा मेरा बड़ा भाई है, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा हुआ है। और का पहले भी हमने एक इंटरव्यू ऐसे किया था जब खुशी जोशी ऑफिशियल में चैनल में किया था हमने, हाँ। तो काफी लोगों ने पसंद किया, वही उसी वीडियो से चैनल मोनेटाइज हुआ था, था। और ये मुझे अभी तक ब्लैकमेल करता है कि मेरी वजह से तेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है और मेरे लिए कुछ कर अच्छा। तो बस हाँ बिल्कुल। तो चंद्रू हमें थोड़ा अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए कि जैसे आपका जन्म कहाँ हुआ, आपने शिक्षा कहाँ से ली, आपने पहली बार गाना कब गाया, ये सब हमें थोड़ा बताइए। मैं डीडी हार्ट से आगे आदि चौरा एक वो पड़ता है, छोटा सा मार्केट पड़ता है, उसके बीच में एक गांव है काफली गेरा, चुपड़ा खेत काफली गेरा करके, काफली गेरा का मैं रहने वाला हूँ और मेरा जन्म स्थान भी वही है काफली गेरा। तो मैंने कक्षा पाँच पास भी उधर ही चुपड़ा के प्राथमिक विद्यालय से किया था और उसके बाद वहाँ पे जूनियर हाईस्कूल आदि चौरा हुआ करता था, जो मेरे घर से कम से कम तीन चार किलोमीटर पैदल था, तो हम घर से अप डाउन करते थे। तो उधर मैंने कक्षा आठ पास किया था, उसके बाद हमारे यहाँ इंटर कॉलेज नहीं था तो डी डी आर टी होता था, वहाँ से हम डी डी आर से भी अप डाउन करते थे, कम से कम नौ किलोमीटर हम अप डाउन करते थे, डी डी आर से आना जाना होता था स्कूल। तो बाकी मैंने राजकीय इंटर कॉलेज डी डी हार्ट में पढ़ा है और उस टाइम पर वहाँ पे रामलीला होती थी, मेन तो वहाँ पर रामलीला होती थी, ऐसे कल्चर प्रोग्राम कम ही होते थे। फिर जो है सन 2000 में है या सन 2002-3 में ऐसे पहली बार वहाँ पर सरदोसो हुआ था डी डी हार्ट में। उस टाइम पर वहाँ पर चेयरमैन हमारे दमयंती पांगती जी हुआ करती थी, तो उनके माध्यम से वो सरदोसो मेला वहाँ पर हुआ। और उस टाइम पर किसी को ये पता नहीं था कि साउंड भी ऐसा होता है, ये सब कुछ मतलब कॉलर माइक में हमने गाना गाया था और गोपुदा भी आए थे वहाँ दिगारी जी, तो हम तब से हम एक दूसरे को जानते हैं 2002-3 से लगभग। तो गोपुदा पहला साल वो था, तो वहाँ से शुरुआत किया हमने, गाना मैंने शुरू किया था। उससे पहले भी मैं गाता था जब 15 अगस्त वगैरह होती थी हमारे स्कूल में। तो उसके बाद जो है दूसरे साल भी सरदोसो हुआ था, रामला तो होती थी, रामला में मैं गाना गाता था पहाड़ी गाने, लेकिन रामला के गाने तो मैं गाता नहीं था, बीच बीच में जब रावण दरबार में गाने लगते थे तो तब गाना गाता था मैं। फिर दूसरे साल जब हुआ था तो उस साल पूरा प्रोजेक्ट गोपुदा ने किया था, शायद मुझे ऐसा लगता है, वो पूरा साउंड पहली बार डी डी हार्ट में म्यूजिक आया, चंदन बिष्ट जी उनका पूरा म्यूजिकल ग्रुप आया था और काकू की साउंड लगी थी, गोपुदा ने लगाई थी साउंड पहली बार वहाँ पर। तो उस साल बहुत बेहतरीन मेला हुआ सरदोसो, 3 दिन का या 4 दिन का ऐसी कुछ था, तो बहुत बेहतरीन हुआ उस साल। तब से हम गोपुदा से और ज़्यादा लगाव हो गया, तब से एक दूसरे को हम फोन में बात होती रहती थी, तो काफ़ी अच्छा लगता था। उस टाइम पर ऑडियो वाली कैसी डाली थी, ऑडियो जो होता था टेप में, हाँ टैग में बजता था वो, रील होती थी वो, तो वो गाने हम बहुत सुनते थे। गोपुदा की उस टाइम पर वाली कैसी डाली थी, लाल छुट्टे में सितारा तेर चम चमकना वाला गाना होता था उसमें, एक था सुमना तेरी गुरमुखड़ी, तो मैं वो गाने सुनने के लिए मैं सेल बैटरी बनाते थे हम, तो उसमें सेल आते थे टॉर्च के जो मोटे वाले,
तो शेल पका पका के भी उबाल के भी वो मतलब फिर चार्ज होते थे, कम से कम आधा घंटा चल जाते थे, तो वो गाने सुनता था वो, तो काफ़ी अच्छा लगता था। तब से वो अनुभव भी है। और आज उसके बाद 2009 होते रहता था सर 200, फिर दूसरे तीसरे साल ऐसे 2009 में फिर सर 200 हुआ था, तो उस टाइम पर चंदन बिष्ट जी वहाँ पर आए थे म्यूजिक डायरेक्टर, तो हमारे नब्बुदा ने बोला कि यार इसका मैंने कैसेट निकालना है, तो उन्होंने हाँ किया था 2009 में। फिर नब्बुदा के साथ वो पहली बार दिल्ली गया, और वहाँ जाके संजीवनी स्टूडियो में हमने रंगीलो जार में करके एक सीडी पूरी 8 गानों की बनाई थी, जिसमें दुर्गेश बिरजेवाल जी के गाए हुए गाने थे वो उस टाइम पर, पहले मुंशारी के गाने हैं वो, तो उन्होंने गाए थे वो। उनके साथ एक लेडी सिंगर थी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी मतलब उनका भी स्वर्गवास हो गया था, तो मैं देखा नहीं उनको, लेकिन सुना बहुत अच्छा गाया था उन्होंने उस ऑडियो कैसेट थी वो। शेर सिंह पांगती जी ने कुछ गाने लिखे थे उसमें से, तो वो गाने मैंने गाए और उसका वीडियो बनाया गया, उसमें गोपूदा भी थे मुंशारी में और ध्रुव त्यागी जी कैमरामैन थे। वो गाना वो सीडी उधर बनी हुई थी, बहुत लोगों ने पसंद किया था। तब से थोड़ा सा कल्चर उठने लगा जब वो कैसेट आई। उसके बाद आते आते फिर हम नब्बुदा ने हमारे जो है कि एक चैनल खोलने की बात कही, मतलब कंपनी चांदनी इंटरप्राइजेज कंपनी बनाई जो पिथौरागढ़ में, जिसमें गोपूदा की पहली कैसेट आई थी उसमें रंपाट, और उसके बाद मयाली मुखड़ी, उसके बाद पप्पूदा की जम्मू लागी जी, जम्मू लागी जी कैसेट से काफ़ी उठ गया चैनल, तो उसके बाद धीरे धीरे आज काफ़ी आगे चैनल है, काफ़ी कलाकारों को काफ़ी कलाकारों का भला भी हुआ है। 4 लाख सब्सक्राइबर, 4 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, 3,96,000 हो गए हैं, तो काफ़ी अच्छा सफर रहा और काफ़ी संघर्षशील भी रहा। तो अभी अब जमाना ये है कि स्टेज शो भी हो रहे हैं, इधर उधर प्रोग्राम भी हो रहे हैं, और बाकी खुशी दी का भी अपना YouTube चैनल है अभी भगवान की कृपा से, वो तो बस थोड़ा बहुत आप लोगों की वजह से फल फूल रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रोकूंगी, मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप वो गीत सुनाइए जिससे आपको पहचान मिली रंगीलो ज्वार में, क्योंकि तब मैं इनको जानती भी नहीं थी, लेकिन ये गाना मैंने तब सुना था और मुझे लगा था कि कोई एक नया कलाकार उभर के आ रहा है, बहुत ही अच्छी सुरीली आवाज है इनकी, आवाज अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा सच में कुछ आवाज में पहाड़ झलकता है। तो हम चाहते हैं रंगीलो ज्वार कैसे था वो वाला गाना, रंगीलो ज्वार में गाना आपको सुना। रंगीलो ज्वार माँ तेरो मुन सार माँ, रंगीलो ज्वार माँ तेरो मुन सार माँ, मैं नाचू हो मैं गाऊ हो, मैं नाचू हो मैं गाऊ हो, चौमासी का चार माँ यूना का तुषार माँ, चौमासी का चार माँ यूना का तुषार माँ, मैं नाचू हो मैं गाऊ हो, मैं नाचू हो मैं गाऊ हो, कसो जसा होलो मन महुच बिचारा, कसो जसा होलो मन महुच बिचारा, उकाला उलारी भछा तेरो मुनिसारा, उकाला उलारी भछा तेरो मुनिसारा, तिसण बाजार मा गणा को धार मा, तिसण बाजार मा गणा को धार मा, मैं नाचू हो मैं गाऊ हो, मैं नाचू हो मैं गाऊ हो। वाह वाह वाह, क्या मुझे तो लग रहा था हम वहीं पहुंच चुके हैं मुंशारी। तो सच में जब भाई गाता है तो कुछ अलग ही वातावरण कुछ अलग ही हो जाता है। बहुत ही अच्छा आपने गाया चंद्रू। तो आपको आज याद है कि आपने पहला गाना कौन सा गाया था, इससे पहले भी आपने स्टेज किया होगा? हाँ, किसी का गाना जैसे पप्पूदा का गाना था मेघा। हाँ, वो मेघा गाना गाता था। शुरुआती मैंने वहीं से करी थी, गाना वही याद था तो वो गाना गाता था। अच्छा अच्छा, तुम बजाने क्यों दे रहे हो उसको? ताल। अच्छा तो बजा रहे हो। सुनिए, ठीक है ये है ना ऊपर
ये गाना उस टाइम पर वीडियो बना रहा है इसका, स्कूल की ड्रेस में एक लड़की मेघा जो थी वो स्कूल की ड्रेस में थी, और एक उसके सौंदर्य को देख के कोई लड़का मतलब उसको पूछता है तो कहाँ की रहने वाली क्या है वो गाना, तो दो लाइन आपको सुना किताब धरी अखु में काल चश्मा पहरी मेघा इंटर कॉलेज जड़े मेघा कि भली पान लाग बहुत ही कर्णप्रिय। और पप्पूदा तो वैसे ही इतना इतना जो उसका पप्पूदा की लेखनी कहें या पप्पूदा का सुर कहें आवाज कहें, पप्पूदा के लिए तो कुछ भी बोलना सूरज को दिया दिखाना होगा। वो हमेशा हमारी यादों में है, हमारे जेहन में, हमारे दिल में है। पप्पूदा तो गाना याद करते और गाना था वो उस टाइम पे, दो गाने मेरे फेवरेट हुआ करते थे। ये गुप्पूदा का गाना था और मैं बहुत गाता था इसको। गुप्पूदा ने कम गाया होगा, मैंने ज्यादा गाया होगा। तो भेटी कमला तो भेटी ते दगड़ी तो भेटी प्यारा हो भेटी है गोछा कमला ते दगड़ी प्यारी है गोछा कमला ते दगड़ी प्यारी है गोछा बड़ी चान लगा रूप तेरा
खूबसूरत। और जब ये गाने की बात आई है तो कुछ मेंशन करना चाहती हूँ। जब गोविंद जी का ये गाना आया था तो मैं स्कूल पढ़ती थी, इलेवेंथ या ट्वेल्थ में मैं पढ़ती हूँगी। तो जब मैंने ये गाना सुना तो मैं गंगोली हाट पढ़ती थी जीजीआईसी में। तो हम मैंने एक बार को सोचा भी कि जहाँ आज इस दौर में अलग तरह के गाने बनते हैं पहाड़ी, ये कुछ अलग गाना बन के आया था। कौ बटी कमला, मतलब कौ अक्षर से कमला, रौ से तो से, तो कुछ अलग। गोविंद के गाने का जो टेक्सचर होता है, टेस्ट होता है, वो थोड़ा अलग ही होता है। जैसे बेरोजगार रह गई हूँ, जैसे शराब वाला, चाहे आप देख लो, चाहे आप मेरी कौन सा है वो घरवाली, सुन मेरी जा। तो मैं भी थोड़ी कुछ ज्यादा अपने पति की फैन हूँ इन गानों की वजह से भी। बहुत अच्छा वो उनका जो गायन है वो मुझे अच्छा लगता है। और गोविंद जी भी बहुत जल्दी मेरे इस ब्लॉग में आएंगे एज ए सेलिब्रिटी, हम उनको लेके आएंगे जैसे आज हम चंद्रू जी को लेके आए हैं। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज हमारे ब्लॉग में आइए। तो आज हम केवल चंद्रू की बातें करते हैं। तो चंद्रू जी, आप मुझे बताइए, कहते हैं कि सफलता के पीछे किसी ना किसी का श्रेय होता है, मतलब आदमी सफल होता है लेकिन जरिया कोई ना कोई होता है। तो आप किसे मानते हैं अपना सफलता का श्रेय, किसे देना चाहते हैं? मैं अपनी सफलता का जो श्रेय है वो अपने बड़े भाई नबूदा नरेन टोलिया जी, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, बहुत साथ दिया उन्होंने यहाँ पहुँचने में। नहीं तो कुछ भी नहीं था। मैं डीडी आर्ट में मैं जो नौकरी करता था एक कपड़े की दुकान में, तो वहाँ से उन्होंने मुझे उठा के दिल्ली पहुँचाया और काफ़ी सहयोग उन्होंने किया और अभी भी वो साथ देते हैं। अभी बहुत कुछ उन्होंने किया है जो भूलने लायक नहीं है। बिल्कुल, नबूदा तो खैर नबूदा ही है। और जो मैं गीत जो गाना जो सीखा, मैं मतलब कुछ जो सुनता था, मैं गुप्पूदा के गाने ही सुनता था बचपन से, इनके ही गाने सुनता था मैं। तो इसकी उस टाइम पर पहाड़ छुट्टी की कैसी आई थी और काफ़ी गाने आते थे उस टाइम पर। गुप्पूदा उस टाइम पर का हीरो था तो मैं बहुत गाने सुनता था और मुझे ये लगता था कि इससे कब मुलाकात होगी। तो शरदो शो में जब पहली बार मुलाकात हुई, अभी भी याद है मुझे, हम उपाध्याय जी थे हमारे, एक उपाध्याय उनका वो था खादी ग्राम उद्योग रजाई गद्दी जो सरकारी था वो, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड थे, मतलब गाने आने के काफ़ी शौक रखते थे। तो उनके कमरे में हम दोनों मिले थे, ये लाल जैकेट पहनता था उस टाइम, इसके बड़े बाल थे गोपूदा के, तो वहीं से हम दोनों का दिल मतलब मिल गया। तो उसके बाद मैं पिथौरागढ़ जाते रहता था और हमारी कहीं ना कहीं मुलाकात होती रहती थी, लगभग लगभग हम 10 दिन में एक बार तो फिर भी मिलते थे ये मतलब। और गाना भी उनसे ही सीखा मैंने, लगभग लगभग उनके गाने ही मैं गाता था स्टेज में जाए जाने। तो ये है जी, चलिए बहुत अच्छा है, ये प्रेम बना रहना चाहिए भाई भाई का। तो अभी आज तक भी हम साथ हैं और तू भी आगे भी यहाँ फिर से भी काफी परिचित थे हम। हमारा जो हमारी जो मुलाकात है वो भी बहुत ही फनी है, वो बहुत लंबा है मतलब, क्योंकि हम उधर मिले थे, हम दोनों ने एक कंपटीशन फाइट किया था झूमी को, और उसमें हम दोनों बाहर हुए थे अल्मोड़ा में, और हमने दुख अल्मोड़ा में हम दोनों सिलेक्ट नहीं हुए, हम बाहर हो गए। तो हम दोनों ने वो दुख आपस में मनाया कि हमें नहीं लिया गया। तो बस वो जो एक इमोशनल जो बॉन्ड था वो इतना अच्छा बधा कि आज तक हम लोग, हम तीनों की तिकड़ी, गोविंद मेरी और इसकी, बहुत अच्छी है, हम लोग अच्छे से रहते हैं। अच्छा, एक चीज पूछना चाहती हूँ, जैसे कहते हैं कि जब कोई गीत गायक होता है तो उसके ब्लड में होता है कि अच्छा इसकी माँ गाती थी, पिता गाता था, जैसे मेरी दादी गाती थी, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर दादी के गुण है। तो आपका ऐसा कोई फैमिली में गाते थे? मेरी मदर गाती थी। अच्छा, गाती आपकी? बहुत बहुत गजब गाते हैं। अच्छा, उस टाइम पर गांव में झोड़ा चाचरी होती थी ना, जैसे आठों का सीजन हो गया या किसी की शादी नामकरण, इसमें तो उस टाइम पर चाचरी लगती थी, पहले और कोई साधन ऐसा होता नहीं था। तो हमारी ईजा काफ़ी खेल जानती थी और काफ़ी अच्छा गाती थी ईजा, बहुत अभी भी गाते हैं, मेरे को बहुत चीज़ें वो सिखाती भी है अभी। अच्छा, ये जोड़ में ईजा से सीखता हूँ। अच्छा, बहुत कुछ। तो ईजा हमारी बहुत अच्छा गाती थी, तो उनसे वो मेरे ब्लड में आया ईजा का कुछ। चलो बढ़िया है, माँ का गुण है ये जो इनके अंदर। हाँ बिल्कुल, और हमारे उसको कोई ऐसा गाता नहीं था, ईजा ही गाती थी। तो हमें क्योंकि सभी को पता है कि आप विवाहित हैं, आपकी शादी हो चुकी है,
तो आपकी जो धर्मपत्नी है, क्या उनको भी आपका ये गाना बजाना पसंद है? वो कैसे आपको सपोर्ट करती है? हाँ, उनका सपोर्ट मेरे को रहता है, वो काफी सपोर्ट करते हैं। वो सुनती हैं? सुनते हैं गाने, लेकिन वो जागृत नहीं कर पाते, मतलब कि कैसे वो करना चाहिए, अपनी खुशी को कैसे जाहिर करना चाहिए, वो नहीं कर पाते। लेकिन वो सुनते बहुत, सबके गाने सुनते हो, और सबसे ज्यादा पसंद आपका वो वाला गाना है उनको, वो जो आपने सिकरा डाना छोड़ दे बिना मेरे दे मिल, और उस गाने को बहुत सुनते हैं। मेरी बेटी भी डांस करती है। हाँ, इनकी प्यारी सी बेटी भी है, क्या नाम है उसका? काजल। काजल, और कहते हैं कि एक बेटी के लिए उसका पिता सबसे बड़ा हीरो होता है, तो वो किस रूप में आपको देखती है एज ए सिंगर? जब वो टीवी में या मोबाइल में आपको देखती है तो कैसा उसका रिएक्शन होता है? बहुत खुश होती है। और जब मैंने अभी स्कूल जा रही हूँ, स्कूल में भी जब परसों बीच में कुछ उनके स्कूल में कल्चर प्रोग्राम होगा, तो स्कूल में बोल रही थी, मतलब अपने टीचर को, मेरे पापा का गाना लगाओ, मैं जा सकता मिला वाला। अच्छा, तो मैं उसमें डांस करूंगी। वो काफ़ी, मतलब मेरे गाने काफ़ी सुनती है, जो क्लिक होता है गाना कोई भी, तो सुनती है और वो पूरा याद कर देती है उस गाने को। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आंगन में बेटी है तो आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे, मैं चाहता था कि मेरी बेटी हो, और मैं बहुत खुश हूँ। बेटी तो कहते हैं लक्ष्मी का ही रूप होती है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आपकी बेटी को वो गीत पसंद है, वो सभी को पसंद है। वैधु भी जब आप आते हैं टीवी पे तो ऐसे सारे करके बोलती है, वो मामा है। तो थोड़ा सा आप सुनाइए, मैं जा चुका हूँ। मैं जा चुका मिला काली गंगा पार, वाह बहुत ही अच्छा गाया आपने। और मेरा ये जो ब्लॉग है, मेरे व्यूअर हैं वो तो बड़े ही खुश हो जाएंगे, और क्योंकि मेरी एक सत्या विहार के सारे लोग आपके बड़े फैन हैं, बट मेरी एक दीदी है माया दीदी, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। तो मैं चाहती हूँ कि आप, मैं माया दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, और आपने इस गीत को इतना पसंद किया, मेरे को मिले भी हैं, और वो कहते हैं जब भी मिलते हैं तो कहते हैं कि एक दो लाइन तो सुनाई दो। हाँ, माया दी, तो देख लीजिए आज मैंने आपको पूरा गाना सुना दिया है, बहुत बहुत लाइव सुना दिया है। और इस जो वीडियो बना है, इसको आप लोग उसी तरह प्यार दीजिए जो पहले हमने बनाया था खुशी जोशी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, काफ़ी लोगों ने पसंद किया, अभी 3 लाख शायद पहुँचने वाला है। तो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, और हमारे इस कल्चर को आगे बढ़ाने में आप लोग हैं, तभी हम लोग भी हैं। आपका एक लाइक सब्सक्राइब और एक बार देखना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, कि आप लोग देखिए और इसको शेयर भी कीजिए जो हम लोग करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो उसमें बढ़िया सुंदर सा कमेंट लिख दीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो वो भी लिख दीजिए कि अच्छा नहीं लग रहा है। ना, वो प्लीज, नेगेटिव कमेंट सुन के थोड़ा सा मोरल डाउन होता है, तो क्योंकि हम आप ही लोगों के लिए सब करते हैं, आर्टिस्ट जो है वो अपने श्रोताओं के लिए बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत लगती है,
तो आप लोग तो कहीं पर हमसे गलती भी हो जाती है कहीं पर, कई लोग कहते हैं कि खुशी जी आप तो गाती पहाड़ी हैं, बोलती क्यों नहीं है, तो कई लोग ऐसे हैं हमारे कई जने जिन्हें पहाड़ समझ में नहीं हूँ, देश पूरा देश अगर हमारा देखता है ये भी ना, तो कई लोगों को नहीं समझ आती, इसलिए हम पहाड़ी नहीं बोलते हैं, वरना हमारा सोल जो है वो प्योर पहाड़ी है। हमारे घर में, हमारे घर में रोज पहाड़ खन बना, भटे चुलकानी, मसूर दाल, आलू थेची साग, बैगन मुलो साग, भटी भात, पलियो डुबुक, इतना तो शायद पहाड़ों में भी नहीं बनता होगा जितना हम यहाँ पे भावर में बनाते हैं। और हमारे अंदर यही रहता है कि जैसे हमें थोड़ा सा वक्त मिले हम पहाड़ों की तरफ भागे, अपने पिथौरागढ़ जाएं, अपना गंगोली हाट जाएं, और बहुत जल्दी मैं अपने गांव भी जाने वाली हूँ गंगोली हाट पोखरी में। तो चंद्रू जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मैं भी आया हूँ पोखरी। हाँ, कब मुझे छोड़ने, छोड़ने। तो अच्छा लगा आपसे मिलके, अब ऐसे ही अच्छे अच्छे गाने लाइएगा हमारे व्यूअर्स के लिए, और आगे भी कभी ऐसे मुलाकात करते रहेंगे। तो बस अब हम थोड़ा सा अपना स्टूडियो वर्क करते हैं, ये छोटा सा ब्लॉग बनाया आप लोगों के लिए, कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, नमस्कार। नमस्कार।